चरखी दादरी में पॉलीथीन का प्रयोग करने वालों की अब खैर नहीं। प्रशासन ने एक अभियान के तहत पॉलीथीन का प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना किया। यह अभियान शहर की पुरानी सब्जी मंडी, पुराना बस स्टैंड, रेलवे रोड पर चलाया गया और करीब 1 दर्जन दुकानदारों पर पॉलीथीन का प्रयोग को लेकर जुर्माना भी किया गया। इसके लिए वास्तविकता से देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गाय है, ये खा लेती है, हजम नहीं होता, पीछे दस्त लगते हैं, बीमार पड़ जाती हैं, और भी काफ़ी नुकसान हैं। जैसे पानी के पाइप वगैरह हैं, उनमें उनके अंदर पानी घुस जाता है और पानी जब सप्लाई होता है तो वो बंद हो जाते हैं। और कई जो गरीब जो बच्चे होते हैं, इनके जो है ना पिघलने से अंदर भी जो है ना मतलब फंस जाता है। इस प्रकार से काफ़ी जो है ना इसे तो बहुत नुकसान है। सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे करके इसको बंद करना चाहिए। इसमें ये है सर कि चरखी दादरी शहर में हम स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन है ये पॉलीथीन को लेकर कि पॉलीथीन बिकने नहीं चाहिए। उस नोटिफिकेशन के तहत कार्रवाई करते हुए अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी जो थोक के मतलब पॉलीथीन वगैरह संग्रह करते हैं और उसका विक्रय करते हैं उनके हम वो करें, चलान करें। और इस प्रकार से ये है कि अगर थोक का जो है अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आम जन भी जो उनसे खरीद रहे हैं पॉलीथीन वगैरह दुकानदार वगैरह उसमें कमी आएगी। आज हमने 5 के करीब दुकानदारों के पूरा उसमें अपनी सब्जी मंडी में चलान की है।